तो कल्याण जगताप जी, आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं पिवट टेबल, और पिवट टेबल की हमारी ये तीसरी सेशन है, और तीसरी सेशन में हम आपके साथ बातचीत करेंगे कैलकुलेशन इन पिवट टेबल। पिवट टेबल के अंदर किस तरह से कैलकुलेशन किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके सामने एक डेटा दिख रहा है, मान लीजिए हमने इसमें सिर्फ एक डेटा ले लिया जैन का, यहाँ जैन रख दिया, मैं इस पे पिवट लगा रहा हूं, और पिवट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे नेम और यहाँ पे जैन को रख दिया, टोटल टोटल आ गए। अब मुझे इसमें कंट्रीब्यूशन देखना है, मतलब कि शेयरिंग देखना है कि किसका कितना परसेंट शेयरिंग है, मतलब कि मैं जैन को एक बार और यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि फिल्टर, कॉलम एंड रोज, जो तीन आपके सेक्शन है, इन तीन सेक्शन में किसी एक फील्ड को आप एक ही बार रख सकते हैं, एक से ज्यादा बार नहीं, बट वैल्यू में एक फील्ड को आप मोर टाइम रख सकते हैं। अब यहां जो अगला ऑप्शन है, अगला जो हमारा ऑप्शन है कि मैं कैसे इसको डिवाइड करूं, तो यहां वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाए, जहां पे आप सम को या काउंट को एवरेज मिनिमम मैक्सिमम जैसे चीजों में कन्वर्ट करते हैं, उसी के जस्ट यहाँ पे सो वैल्यू एज दिखेगा। यहाँ पे देखिए नो कैलकुलेशन डिफॉल्ट होता है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन सेटिंग चेंज कर सकते हो, जैसे कि परसेंटेज ऑफ द कॉलम टोटल, ठीक है, परसेंटेज ऑफ द रो टोटल, ग्रांड टोटल, दिख रहा है। तो मेरे डेटा में एक ही कॉलम है, मतलब कि जैन है, तो परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल हम कर सकते हैं या ग्रांड टोटल कर सकते हैं। कॉलम टोटल ग्रांड टोटल में क्या डिफरेंस है थोड़ी देर में बताऊंगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल एंड ओके किया, तो देखिए इसने कंट्रीब्यूशन दे दिया कि ओवरऑल सेल में 395 11% है, 188 5.7% है, ओके ये कॉलम टोटल हो गया। हाँ, इस कॉलम मतलब कि हर नंबर को 3299 से डिवाइड कर दिया, राइट सर? क्लियर है? Yes. लेकिन अगर डेटा में मैंने अपने जो डेटा है मेरा, इस डेटा में मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक स्टेटस लगा देता हूँ, ठीक है, स्टेटस में मैं यहाँ पे ओके और पेंडिंग दो स्टेटस रखता हूं, और मैं इसको सिलेक्ट किया पिवट टेबल, और यहां पे हमने नेम को लिया, स्टेटस को लिया, और यहां पे जैन को लिया, काउंट आ रहा है? Yes. अब आपका ये कहना है कि मान लीजिए आपको ये अगर जरूरत पड़ी कि ओके जो है और पेंडिंग, ठीक है, आपको ये जिस समय ओके है उस पे पेंडिंग नहीं है, तो एक बार मैं एक कुछ थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं, ठीक है, अब एक बार इसको रिफ्रेश कर। तो आप मुझे ये देखना है कि ओवरऑल 36 है, राइट, उसमें कितना परसेंट ओके है, मान लीजिए आपको पता करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि कैसे करें, देखिए आप यहां पे मतलब कि किसी एक को नहीं कैलकुलेट कर सकते, कैलकुलेट होगा तो दोनों हो, ऐसा इसलिए कि दोनों अलग अलग कॉलम नहीं है, फील्ड नहीं है, ये आइटम्स है। तो अगर मान लीजिए मेरे डेटा में ओके का अलग फील्ड होता और पेंडिंग का अलग फील्ड होता, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। अभी फिलहाल क्या करेंगे, फिलहाल आपको स्टेटस को यहाँ दो बार रखना होगा और नीचे वाले को जाना होगा, और यहाँ सो वैल्यू एज में परसेंटेज ऑफ द रो टोटल, रो टोटल क्योंकि क्योंकि ये जो टोटल दिख रहा है ना सर आपको 6655 जो है ये रो टोटल, और ये जो 47 47 17 17 दिख रहा है ये कॉलम टोटल, और 64 इसका ग्रांड टोटल। तो परसेंटेज ऑफ रो टोटल कर दिया तो ये पता चल गया कि ये 6% जो परसेंट, ठीक है। अब चाहते हैं कि मुझे मेरा ये ना दिखे, टोटल ना दिखे,
तो वैल्यू फिल्टरेबल ऑप्शंस पे जाइए और यहाँ टोटल एंड फिल्टर्स दिखेगा, उसमें आप यहाँ पे दिख रहा होगा रो टोटल एंड कॉलम टोटल दिख रहा होगा, तो कॉलम टोटल हटा दूंगा तो कॉलम टोटल हटेगा, मैं रो टोटल हटा देता हूँ, रो टोटल नहीं दिखेगा, ठीक है। काउंट ऑफ एसटी दिख रहा है, स्टेटस दिख रहा है, तो यहाँ पे आप और यहाँ पे स्टेटस टू दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल, ओके नहीं यहाँ पे टोटल ठीक है, तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में आप इसको मर्ज एंड सेल कर दीजिए, ये आपका हो जाए, हो गया। अब इसको आराम से यहाँ पे नेम दे दीजिए। एक मिनट, क्या किया आपने? राइट क्लिक करके मर्ज किया कॉलम को, ये मर्ज हो जाएगा, दो अलग अलग कॉलम मर्ज दिखेगा आपको, तो इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग हम करेंगे यहाँ पे, यहाँ से बेटर लगेगा कि हाँ ये ओके का पार्ट है, टोटल ऑफ पेंडिंग, टोटल ऑफ पेंडिंग का टोटल परसेंटेज आ गया, ये 100% है, मतलब कि टोटल ऐसे क्या हुआ है इसमें 50% ओके है, 50% पेंडिंग, ठीक है सर। तो इसमें अगर तीन वैल्यूज है तो तीनों का दिखेगा, तीनों करेगा, यहाँ पे से ओके का आ गया ना सर, यहाँ पे पेंडिंग का आ गया, ऐसे यहाँ पे तीसरा आ जाएगा, ठीक है, चौथा है, चौथा आ जाएगा, ओके तो ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे दो है ना, टोटल और परसेंटेज दो है, कोई और कैलकुलेशन करनी हो तो तीन कॉलम होगा, तो सबका तीन तीन हो जाएगा। आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ पेंडिंग नहीं शो करवाना है, ओके शो करवाना है, यू कैन फिल्टर, यहाँ पे पेंडिंग को यहाँ रिमूव कर दीजिए आपका, बट प्रॉब्लम है कि परसेंटेज भी फिर आपका गड़बड़ा जाएगा, परसेंटेज वो जो विजुअल है उसी पे आता है, फिल्ट्रेशन पे नहीं आएगा, ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, यहाँ पे पिवट लगा दिया, और क्या क्या है, अब मैंने यहाँ पे नेम को रखा और मान लीजिए जैन का टोटल मैंने यहाँ पे रखा, अब मुझे यहाँ पे एक टारगेट है, मुझे एक टारगेट है और मुझे टारगेट के अकॉर्डिंग उसको शो करवाना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पिवट टेबल अराइज में कैलकुलेटेड फील्ड आइटम और इसमें मैं यहाँ पे टी आर जी और यहाँ पे हम दे देते हैं कि जैन डिवाइड बाय 500, 500 मान लीजिए टोटल, ओके ये आपका परसेंटेज में आ गया, कितना इसने टारगेट का टारगेट अचीव किया, ठीक है, ओके। जैसा कि आपने कैलकुलेटेड फील्ड इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड, हमने पिवट टेबल एनालाइज में गए, फिल आइटम सेट में गए, कैलकुलेटेड फील्ड पे गए और यहाँ से अपना हेडिंग टाइप किए और यहाँ पे कैलकुलेशन भी मैं समझाता हूँ, ये समझाता हूँ दोबारा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे हमारे पास फिक्स नहीं होता है, मान लीजिए कि मुझे अजीत का जो सेल है या फिर मान लीजिए पूजा का जो सेल है, पूजा के सेल से बाकी सबको डिवाइड करना है, ठीक है, पूजा मान लीजिए पूजा नहीं कुछ और है, मतलब कि है मुझे पूजा है से बाकी सब डिवाइड करना, हमने टोटल से डिवाइड तो कर लिया था, रो टोटल से भी डिवाइड कर लिया था, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर आइटम के सेल से नंबर से बाकियों को डिवाइड करना, तो मैं जैन को एक बार और रो यहाँ रखता हूँ और फिर इसके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाता हूँ, सो वैल्यू एज नो कैलकुलेशन को ड्रॉप करके यहाँ हम परसेंटेज ऑफ पे जाते हैं, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पे हमने क्या किया कि बोला कि नेम में मेरा पूजा है ना, पूजा को सेलेक्ट कर लिया, देन ओके लिखा सर, उसी तरह से यहाँ पे और भी टोटल से कम्युलेटिव टोटल है, यहाँ पे आप देखेंगे
तो एक डिफरेंस है, डिफरेंस परसेंटेज, जैसे 100% कितना रह गया डिफरेंस पता करना हो, और डिफरेंस परसेंटेज पता करना हो तो इसका यूज कर सकते हैं। रनिंग टोटल है, क्यूमुलेटिव टोटल आपको दिखा देगा कि क्या क्यूमुलेटिव टोटल है। 395, फिर 395, 188 जुड़ा तो 583 हुआ, फिर जुड़ा तो फिर यहाँ पे 877 हुआ। सॉरी सॉरी, ये रिपीट कर दीजिए, ये कैसे किया क्यूमुलेटिव? हमने वैल्यू फील्ड सेटिंग पे गए, सो वैल्यू एज पे गए और यहाँ से रनिंग टोटल सेलेक्ट कर लिए, ठीक है? ओके, क्लियर है? यस, इससे हाँ करेक्ट करेक्ट। इस तरह की और भी चीजें हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, जो समझ में ना आए मुझे अगली क्लास में इससे पूछ लीजिए, ठीक है? ये हम ये इसका परेटो प्रिंसिपल के लिए, परेटो एनालिसिस के लिए यूज करते हैं ना ये, हाँ। अभी इसके ऊपर परसेंटेज बिठाना है तो कैसे बिठाएंगे? क्या परसेंटेज बिठाना आपको? अभी इसको सम ऑफ जैन टू, सेकंड रो है ना, उसका ये टोटल, पहले कॉलम का जो टोटल है ना उसका इंडिविजुअल परसेंटेज इधर निकालना है इसी में। तो इसके लिए क्या करें, मैंने एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करता हूँ, एक और इसमें फिर वैल्यू फिल सेटिंग में जब आते हैं तो यहाँ पे रनिंग टोटल परसेंटेज आएगा। हाँ, तो देखिए 11% था। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। अभी अभी इसके ऊपर चार्ट लगा सकते हैं क्या? हाँ, चार्ट लगा सकते हैं, लेकिन चार्ट तीनों पे नहीं, सर, सिर्फ एक पे। तीनों पे नहीं, सिर्फ एक पे लगना चाहिए, लास्ट जो कॉलम है ना उसके ऊपर चार्ट लगना चाहिए। लग जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंसर्ट चार्ट करते हैं। अब यहाँ पे तीनों लग रहा है ना, तो जहाँ चार्ट के अंदर प्लस पॉइंट होता है, राइट, तो इसमें फिल्टर नहीं है, यहाँ से इसको रिमूव। तो ये हो गया तो बहुत बड़ा काम है फिर, हमारा जो पारेटो प्रिंसिपल वगैरह है ना उसका बहुत बड़ा काम हो जाएगा इसी एक ही चीज में। ये तो ठीक है, और रिमूव फील्ड में ये हो गया। कीवर्ड के अंदर आप एक पे चार्ट नहीं लगा सकते, जैसे कि हम जानते हैं, आपको एक बार ब्लैंक चार्ट क्रिएट कीजिए, सिलेक्ट डेटा, एडिट, परसेंटेज, और हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे उल्टा लगना चाहिए, उल्टा इसको सॉर्ट आउट करना है, इसको सॉर्ट आउट करना है टॉप हाईएस्ट से लोएस्ट के ऊपर। तो इसको लाइट क्लिक करके सॉर्ट हाईएस्ट के लार्जेस्ट सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। नहीं, यहाँ पे नहीं, हाँ इसमें हो जाएगा, चार्ट की इस पे जाइएगा ना, फॉर्मेटिंग में, तो चार्ट फॉर्मेटिंग में होता है कुछ ऐसा, एक्सिस पे, एक्सिस ऑप्शन में एक होता है रिवर्स, रिवर्स ऑप्शन, नहीं नहीं नहीं, मैं ये जो एक परेटो प्रिंसिपल होता है, देखो 80-20 रूल, कि 80% ऑफ द परफॉर्मेंस डाउन इज बिकॉज ऑफ 20% ऑफ द पीपल, ये बोल रहे थे ना आप? हाँ, नहीं नहीं, ये दूसरा है, ये हो गया ना सर, रिवर्स पे चला गया नीचे की तरफ। नहीं, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा मुझे, ये नहीं हो रहा है। हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स हाईएस्ट कौन कौन आ रहा है? वो तो आप हाईएस्ट, तो आपको ये अलग करना होगा ना, ये तो गलत चीज, ये तो अलग आपने बात कर दी, आपको हाईएस्ट करना है, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, ये चाहिए ना आपको, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जैसे ये होगा, तो अब आपको क्या करना है कि इसी जो मैं यहाँ पे प्रोग्राम को एक बार और रखता हूँ और इसको वैल्यू फिल सेटिंग में आता हूँ, सो वैल्यू एज में, और यहाँ जो आपको है परसेंटेज ऑफ क्या करना है, कॉलम टोटल, ठीक है, हो गया। तो राइट क्लिक करके इसको आप शॉर्ट लार्जेस्ट,
चार्ट बना दो। हाँ, अभी इसका क्यूमुलेटिव निकालना है, नहीं अभी इसका क्यूमुलेटिव निकालना है, मतलब थर्ड रो करके इसका क्यूमुलेटिव 11 प्लस 11 उसका मतलब ऊपर से ये 11 ऐसा ही रहेगा। हाँ, ये दो कसम इधर आएगा, ये तीन कसम इधर आएगा ऐसे। हाँ तो इसमें आप वही कर दीजिए, इसमें एक आइए यहाँ पे सेम तो वैल्यू वैक्स और इसको यहाँ पे रनिंग टोटल परसेंटेज, रनिंग टोटल, रनिंग रनिंग टोटल, रनिंग टोटल परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये ओके, ठीक है, इसमें आप रिसर्च कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं इसके ऊपर थोड़ा आरएनडी करता हूँ इसके ऊपर। मैं जो बोल रहा हूँ वो कि परेट प्रिंसिपल से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं क्या, ये इसके ऊपर मुझे देखना है। बार एंड लाइन चार्ट रहता है उसके ऊपर, दो चार्ट रहते, ठीक है। अब जैसे कि अब हम प्रैक्टिकली एक फील्ड की कैलकुलेशन, अब बात करते हैं कॉलम की कैलकुलेशन, जो कॉलम हमारे पास है उनकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए मेरे पास मंथ वाइज यहाँ पे अलग अलग कॉलम पे डेटा है, राइट, तो मुझे यहाँ पे ईयरली टोटल चाहिए, किस साल का, मतलब पूरे साल का। तो एक एक करके करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, मैं चाहता हूँ पिवट के जरिए। तो यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज के अंदर फील आइटम सेट में कैलकुलेटेड, यहाँ पे जैसे मैंने लिया 2021 या जो देना दे दीजिए, और फिर यहाँ पे आप एक एक करके अपने सारे महीने को पेस्ट कर दे, यहाँ पे मैंने प्लस करते करते डाल दिया। आपको वन बाय वन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इसका शॉर्टकट है कि पूरा ले, ठीक है। जुलाई प्लस अब डेटा में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें कब होती है, जब डेटा में हम चेंज नहीं कर पाते, समझ रहे, डेटा किसी से लिंक होता है या कॉपी पेस्ट हर दिन नीचे के नीचे के नीचे के नीचे कॉपी पेस्ट होता है, दैट टाइम इसको हम नहीं कवर कर पाते, तो वो हम इसके लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ पे ऐड करते हैं दैट, ठीक है, आ गया। हमारे से पे 18% का जीएसटी निकालना है, सब कुछ है। तो अगेन हम कैलकुलेशन फिट में आएंगे और यहाँ पे करते जीएसटी, और मैं यहाँ फिर वापस टोटल नहीं करूंगा, ऑलरेडी टोटल या 2021 को कर चुका है, इसी को मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई होगा 18% और यहाँ पे ऐड ऐड 18% सर कैलकुलेशन आप कर सकते। इसमें आप चाहो तो कंडीशन सिर्फ इफ फॉर्मूला लगाना है मुझे, मतलब सिर्फ यही नहीं, मुझे इफ फॉर्मूला एक्सेल की इनबिल्ट फॉर्मूला लगाना है, मतलब मुझे सिर्फ इंसेंटिव देना है कि 3000 से ऊपर है, मतलब कि 3000 से ऊपर को मुझे देना है 500 और 3000 से नीचे वाले को देना है मुझे 1500 मान लेते हैं। आईएनसी मैंने यहाँ पे दिया फॉर्मूला इफ, और मैंने फिर यहाँ पे 2021 को सेलेक्ट किया और बोला अगर लेस देन इक्वल टू अगर 3000 है तो यहाँ पे 500 मिले, अदरवाइज 1000 मिले। ऐसे और भी इफ कंडीशंस वगैरह और बाकी फॉर्मूलेस वगैरह इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखे हम ऐसा फॉर्मूला ही लगा पाएंगे जिसका रिजल्ट नंबर आता, ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पे नंबर शो होता है, राइट, क्लियर सर, यस, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा। अब इसमें एक चीज और ही है, आपको पता करना है कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगे हैं, तो लिस्ट फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे फॉर्मूले यहाँ पे दिख जाएंगे कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, मतलब किसी ने आपको कोई भेज रहा है पिवट टेबल, और उस पिवट टेबल के अंदर में आप देखें तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 2021 जीएसटी आईएनसी कहां से आ गए, जबकि डेटा में कुछ तो है ही नहीं ऐसा,
तो इसकी कैलकुलेशन देखने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप पिवट टेबल एनालाइज में जाए, कैलकुलेट आइटम में जाए और यहाँ ड्रॉप करके अपने कैलकुलेशन को देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या दूसरा आप जो है लिस्ट फॉर्मूला, इस पे क्लिक करके आप लिस्ट फॉर्मूला कर देंगे तो नई सीट में सारी के सारी फॉर्मूले आपको यहां शो कर देंगे। दोस्तों आपने देखा किस तरह से मैं कल्याण जगताप जी को सेपरेटली इंडिविजुअल क्लासेस दिया, जिसमें वो खुद आए और मुझसे बातचीत किए, समझिए अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, अपने ऑफिस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने पढ़ाई किया। आप भी मेरे साथ इस तरह से पढ़ सकते हैं। आप जाइए मेरी वेबसाइट iptindia.com पे डेमो क्लास का फॉर्म भर दीजिए। जी हाँ, iptindia.com पे जाएं और डेमो क्लास का फॉर्म भरें, एक दो क्लास डेमो लें, अगर आपको अच्छा लगा तो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो क्लास का फॉर्म फिल कर सकते हैं, अच्छा लगा तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट फॉर्म भरिए और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू।